Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing fine. And titles आप लोग पढ़ चुके हो कि आज हम करने वाले एक affordable makeup video. And मैंने कुछ time पहले भी एक ऐसा ही video share किया था. But उस video में काफ़ी सारे products repetitive थे and कुछ steps मैंने miss भी किए थे. But आज की video होने वाली है एक proper, you know, step by step, जिसमें मैं आपको हर एक step के लिए एक makeup product बताने वाली हूँ under 500 rupees, which will perform expensive. अभी क्योंकि दिवाली भी आ रही है and then winters भी आ रहे हैं, अब पसीना नहीं आएगा तो सबका मेकअप में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है. दिस इज बेसिकली एन अफोर्डेबल मेकअप किट अंडर 500 रुपीज फॉर बिगिनर्स एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु आर अंडर अ बजट. सो येस, एंड ऑल्सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज फाइनली वी हैव हिट 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, बट ठीक है, आई एम स्टिल वेरी वेरी हैप्पी. एंड अभी काफ़ी टाइम से आई वॉज इन बींग एबल टू यू नो शूट वीडियोज क्योंकि मैं फेस्टिविटीज़ में थोड़ी बिजी हो गई थी. बट येस, दिस इज द टाइम दैट आई वॉन्टेड टू सिट डाउन एंड थैंक यू गाइज and tell you guys how grateful I am for each one of you because you know, thank you just for letting me live my dream and I'm just very very happy. And as promised, मैंने promise किया था कि 5K पे give away होगा. बहुत time के बाद इस channel पे give away होने वाला है. So yes, stay tuned. आगे video में आप लोगों को give away details भी दूंगी. So yes, if you are interested, keep on watching this video till the very very end. But if you are new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. स्किन केयर मैंने इंक्लूड नहीं किया आज की वीडियो में. इट इज़ गोइंग टू बी प्योरली मेकअप. एंड ऑल्सो मैंने ये वाला लुक इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है. मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, ये मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स पे इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ उनके MRPs मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड इनमें से ना कुछ प्रोडक्ट्स स्लाइटली 500 से ऊपर हैं, बट आपको वो हमेशा सेल में 500 के नीचे ही मिलेंगे. सो जस्ट बेयर दैट इन माइंड. सो यस, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले प्रोडक्ट है स्ट्रोब क्रीम. अगर आप फेस्टिव मेकअप कर रहे हो एंड यू नो इवन इन विंटर्स हमारी स्किन बहुत डल एंड ड्राई हो जाती है, तो एक स्ट्रोब क्रीम आपके मेकअप में ना एक वो फ्रॉम विद इन ग्लो देती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रोब क्रीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ स्किन केयर एंड अ मेकअप स्टेप बिकॉज अच्छे से मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन एंड फ्रॉम विद इन वाला ग्लो आपकी स्किन को प्रोवाइड करती है, जो कि मेकअप के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा. एंड दिस वन इज़ माई करंट फेवरेट स्ट्रोब क्रीम. ये है प्लम की मास्टर स्ट्रोब इल्यूमिनाइजर स्ट्रोब क्रीम. बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेरे पास इसका शेड है 02 पीच परफेक्ट, बट ये बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में आती है. आई फील दिस शेड यू नो गोज वेल फॉर मी, बट इसमें और भी शेड्स आते हैं तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो. सेकेंड प्रोडक्ट इज़ ऑफकोर्स प्राइमर. तो प्राइमर के लिए आई हैव दिस रैम्बल का 3-in-1 प्राइमर. तो ये इनसाइड का जैसा ही प्राइमर है बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मूद है एंड ये आपकी स्किन को मैटिफाई करता है, साथ साथ आपके पोर्स को भी ब्लर करने में हेल्प करता है. ये प्राइमर के बारे में ना उतना ज़्यादा बात नहीं किया है किसी ने, आई डोंट नो वाई, बट ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है. इनफैक्ट इनसाइड से थोड़ा ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को आज ये वाला प्रोडक्ट रेकमेंड कर रही हूँ. ये मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का मिल जाता है एंड इट परफॉर्म्स रियली रियली गुड. सो डेफिनेटली चेक इट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी. फाउंडेशन से पहले मैं एक डार्क कंसीलर यूज़ करती हूँ अपने अंडर आइज और अराउंड माई माउथ के पिगमेंटेशन को कैंसिल करने के लिए. तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये इनसाइड का HD कंसीलर. नाउ ये कंसीलर जो है मीडियम टू फुल कवरेज है एंड इट डज नॉट क्रीज, इट लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा कंसीलर है. नाउ यू गाइज नो कि मुझे स्विस ब्यूटी का कंसीलर तो एनी वेज बहुत पसंद है, बट इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्विस ब्यूटी के ना मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, बट दिस वन इज़ अमेजिंग. इसका जो डो फुट एप्लीकेटर है वो भी देखो इतना ठीक है एंड इट जस्ट वर्क्स रियली रियली गुड. तो आप इस प्रोडक्ट में अपना शेड भी ले सकते हो, डार्क शेड भी ले सकते हो और लाइट शेड भी ले सकते हो, कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग, कंसीलिंग, किसी भी पर्पस के लिए ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अनदर कंसीलर दैट आई हैव इज़ दिस वन. ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर. मेरे पास ये लाइट शेड में, आई यूज़ दिस फॉर हाइलाइटिंग माई फेस. अगेन ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है, मीडियम बिल्डेबल कवरेज है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अंडर आइज को सेट कर देता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट फाउंडेशन है बिकॉज हमेशा 500 के नीचे मैं आप लोगों को मेबलिन और मामा अर्थ का जो ग्लो सीरम फाउंडेशन है वही रेकमेंड करती हूँ. एंड एनीवेज बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड, बट इस बार मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा लाना चाहती थी. सो आई हैव दिस वन. ये है एल्फ का सैटिन फिनिश फाउंडेशन. नाउ आई नो कि ये फाउंडेशन 750 रुपीज़ का है, बट एज यू गाइज नो मैं एल्फ के प्रोडक्ट्स हमेशा नायका की जो साल में दो बार
सेल आती है उसमें. एल्फ के प्रोडक्ट्स हमेशा बाई वन गेट वन पे होते हैं, तो ये वाले फाउंडेशन मैं हमेशा 350 रुपीज़ के लेती हूँ. तो इसीलिए मैंने इसे आज की वीडियो में इंक्लूड किया है, क्योंकि नायका की सेल भी आई थिंक आने वाली है. सो यू कैन यू नो पिक देम आउट अपकमिंग सेल में, बाई वन गेट वन वाली में. अदरवाइज अगर आपको अभी लेने हैं तो आप मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन या मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन कोई सा भी ले सकते हो. मैंने आज अपना बेस भी इसी से किया है. इसका बहुत ही ज़्यादा सैटिन मैट फिनिश है, एक हल्की सी शाइन देता है, एक वो हेल्दी ग्लो देता है आपके फेस को. योर स्किन लुक्स हेल्दी एंड ऑल्सो ये मीडियम कवरेज है. इसका कवरेज बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, बट दैट इज़ वॉट आई लाइक बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन माई स्किन. एंड यू कैन सी इसने मेरे स्किन को बहुत अच्छा एक फिनिश दिया है. सो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन. देन बेस हो गया है, तो अभी हमें सेट करना पड़ेगा. एक तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चॉइस है, विच इज़ द मार्स का ट्रेंड सेटअप पाउडर. आई थिंक इस रेंज में ना इससे अच्छा पाउडर आपको मिल ही नहीं सकता है. इट इज़ सच अ फाइनली मिल्ड पाउडर एंड इतने अच्छे से आपके अंडर आइज को सेट करता है, आपके बेस को लॉक करता है, कि एक बार आपने इस पाउडर से अपना बेस लॉक कर दिया, यू कैन बी टेंशन फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एंड या इट इज़ सच एन अमेजिंग पाउडर. बट आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू, ये है पी ए सी का एंटी शाइन ट्रांसलूसेंट पाउडर. आई हैव बीन लविंग दिस पाउडर एंड हाउ, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा पाउडर है. ट्रांसलूसेंट बिल्कुल भी आपके मेकअप में टेंट ऐड नहीं करता है, आपके बेस के शेड को अल्टर नहीं करता है. एक ही इतने से पाउडर में भी आपका पूरा फेस अच्छे से मैटिफाई कर देता है. नाउ द थिंग इज़ कि ये पाउडर ऑफ कोर्स 500 के नीचे नहीं है, बट दिस वन इज़ द मिनी वर्जन जो कि आई थिंक 200 रुपीज़ का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आई थिंक एंड एनी वेज मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, यह अभी भी चल रहा है. सो इफ़ यू डोंट वेयर मेकअप ऑन अ डेली बेसिस, आई थिंक आप ये वाला लूज पाउडर ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी लंबा एनी वेज लास्ट कर ही जाता है. एंड फॉर everyday basis and for touch-ups under eye ko brighten karne ke liye I use this Maybelline ka compact. This one is in the shade 128. ye wala compact best compact hai, maine kafi sare compacts use kiye hain. एंड दिस वन इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एवरी डे बेसिस पे मैं फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं करती, मैं ये कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ. इट हैज़ मीडियम कवरेज एंड आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने बेस में कुछ भी नहीं किया. इट विल इवन आउट योर बेस एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. अभी भी सारा मेकअप करने के बाद मैंने अपने अंडर आइज पे इससे टचअप किया है एंड इट जस्ट सेट्स माई अंडर आइज ब्यूटिफुली. एंड मुझे पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट यू नो ढूंढ रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट ऑन अ बजट, जस्ट गेट दिस वन. यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा है. नाउ कमिंग टू यू नो गिविंग डायमेंशन बैक टू योर फेस, कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट. तो सबसे पहले कॉन्टोर के लिए मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट. नाउ वेट एंड वाइल्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इफ़ इन केस इनमें से कोई भी प्रोडक्ट 500 के ऊपर है, गो टू टीरा. टीरा पे वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स ना मोस्टली 60-70% ऑफ में होते हैं. एंड ये जो कॉन्टोर पैलेट है ना, ये तो आपको 200-250 रुपये का मिल जाएगा टीरा पे. एंड दिस वन इज़ एन अमेजिंग कॉन्टोर. ये बहुत अच्छे से आपके फेस को डेफिनेशन देता है. एंड ये शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इसके साथ जो बनाना पाउडर आता है उसकी शेड भी बहुत अच्छी है फॉर अस इंडियन स्किन टोन्स. बट वो मेरा गिर के टूट गया है. बट एनी वे, सेकेंड कॉन्टोर के लिए मेरे पास ऑप्शन है ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट इन द शेड 330. ये वाला इंडियन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा एक कॉन्टोर का शेड यू नो काम करेगा. एंड अगेन बिकॉज इट हैज़ मीडियम कवरेज, तो आपको काफ़ी अच्छे से यू नो शेप मिल जाती है, स्कल्प्टेड लुक दे देता है आपके फेस को. एंड या दिस शेड वर्क्स रियली ग्रेट. फॉर ब्लश अगेन आई हैव वन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. ये अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ बहुत पहले से देख रहे हो तो एकदम जो मेरी पुरानी वीडियोज़ होंगी ना उसमें आप लोगों ने ये वाला ब्लश देखा होगा. दिस इज़ द वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन एंड आई स्टिल लव इट. इसकी जो शेड है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी फ्लैटरिंग शेड. बहुत सारे स्किन टोन्स पे ये स्किन ये वाला शेड अच्छा लगता है. फॉर फेयर स्किन टोन्स ये बहुत अच्छा काम करता है. मीडियम स्किन टोन, डस्की स्किन टोन, वीटिश स्किन टोन, सारे स्किन टोन्स पे ये स्पेसिफिक शेड मेलो वाइन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड इसके MRP एग्जैक्ट 500 रुपीज़ की. नेक्स्ट वी हैव हाईलाइटर. हाईलाइटर के लिए मास्टर क्रोम एंड एल्फ का पैलेट तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को. फॉर टुडे आई हैव दिस होजो का हाईलाइटर. आपने मेरी रिसेंट बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा दैट आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद दिस हाईलाइटर बिकॉज इट इज़ अ ब्लाइंडिंग. लुक एट दिस, इट इज़ सच अ प्रिटी हाईलाइटर. एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आज मैंने अपने आइज़ के ऊपर ये पूरा हाईलाइटिंग सारा कुछ इसी से किया हुआ है एंड इट जस्ट लुक्स अमेजिंग. येस, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं. ए, इट हैज़ स्लाइटली चंकी पार्टिकल्स. ऐसा ग्लो फ्रॉम विद इन नहीं लगेगा आपको. थोड़ा सा चंकी लगता है बट इट इज़ नॉट लाइक इन योर फेस चंकी.
यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मतलब कि अच्छा लगता है ये वाला हाइलाइटर, बट यू नीड टू कीप टचिंग इट अप आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, क्योंकि थोड़ा जल्दी ये रिमूव हो जाता है. सो दैट इज़ दैट, बट आई डोंट माइंड, क्योंकि 300 समथिंग का हाइलाइटर है एंड द ग्लो, द हाइलाइटिंग दैट इट गिव्स इज़ इनसेन. मेरी अभी पिछली एक डेढ़ महीने की जितनी वीडियोज़ आप देख रहे होगे, सब में सिर्फ यही हाइलाइटर है. आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एनी अदर हाइलाइटर बिकॉज आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट. अगर आपको चाहिए कि आपको कॉन्ट्रो ब्लश हाईलाइटर अलग अलग नहीं लेना है एंड यू जस्ट वॉन्ट वन पैलेट, सो आई हैव दिस वन. ये है शुगर का पैलेट. नाउ माई ग्लैम का जो फेस पैलेट है ना, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट वो इससे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ द शेड्स दैट इट हैज़. बट उसकी जो एम आर पी है वो 1250 की है, एंड आई डोंट नो कि अगर वो डिस्काउंट्स में भी आपको 500 के नीचे मिलेगा. बट दिस वन, इसमें देखो आप कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइटर तीनों ही हैं, एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी अवेलेबल है. इसकी जो एम आर पी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 800 रुपीज़, 799, बट सेल में ही आपको 500 के आसपास मिल जाएगा. बट एनीवेज इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं, सो इफ़ यू डिवाइड 800 बाई 3, एनीवेज वो 500 के नीचे ही आता है. नाउ हमारा बेस पूरा हो गया है, तो बेस को फिक्स करने के लिए आई हैव दिस. ये है रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन इनफाइनाइट मैटिफाइंग लॉन्ग वेयर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. नाउ ये फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम लॉक कर देता है, आपका मेकअप नहीं मूव करेगा. जब इवन इफ मैं सिर्फ ये कॉम्पैक्ट लगा के उसको इससे टॉपअप कर देती हूँ, ऐसा लगता है मैंने प्रॉपर बेस किया हुआ है, एंड इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. नाउ होक मेकअप पे ना 70% जब ऑफ चलता है, मैंने तब इसको मंगाया था. वैसे इसकी MRP 750 रुपीज़ है, बट आपको सेल पे ये 250 रुपीज़ का मिल जाएगा, एंड वो सेल हर दूसरे दिन लगती रहती है, इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट आप लोगों को बताना चाहती थी. बिकॉज 500 के नीचे अब मैं आपको स्विस ब्यूटी बताऊंगी, रहने बताऊंगी, वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो थोड़ी सी अलग है, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जो आपके पैसे के लिए वर्थ इट होंगी. एंड एनीवेज ये आपको 250-275 रुपीज़ में मिलता है, एंड क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड इसका जो वर्क है ना वो बहुत अच्छा है. आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ. एवरी सिंगल डे आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम डेफिनेटली गोना स्टॉक अप ऑन इट. बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं नीचे लिंक होक मेकअप से ही दूंगी आप लोगों को, तो आप चेकआउट करना. जब भी वहाँ पे 70% ऑफ की सेल चलती है ना, उस टाइम पे यू पिक मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर, एंड यू विल गेट क्रेजी डिस्काउंट्स. हम आईब्रोज की बात करते हैं, तो आईब्रोज के लिए आई हैव टू प्रोडक्ट्स फॉर यू. एक तो अपना आईब्रो डिफाइनर पेंसिल है, सो दिस इज द वन दैट आई हैव बीन करंटली यूजिंग एंड लविंग. दिस इज ब्लू हेवन का. स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है, द वन दैट कम्स इन अ गोल्डन पैकेजिंग, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. इससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वो पसंद है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो यू नो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट आई वॉन्ट यू टू गेट दिस वन. ये है पैक का आईब्रो डिफाइनर. नाउ ये 500 से थोड़ा सा ऊपर है, बट आपको डिस्काउंट्स पे मिल जाएगा 500 रुपीज़ का. एंड ऑल्सो अब देखो इसमें आपको ना 4 शेड्स मिलते हैं. नाउ व्हाई आई वांट यू टू गेट दिस पैलेट इज बिकॉज इसमें 4 शेड्स हैं, एंड व्हेन आई ट्रैवल मैं इस पैलेट को कैरी करती हूँ, इससे मेरा आईब्रो का काम हो जाता है. इफ़ आई वांट टू डू अ स्मोकी आई वो भी हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ 4 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक. लाइक वी हैव 3 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन एंड वी हैव 1 ब्लैक, तो इससे मेरा आई शेडो का काम हो जाता है, मेरे आईब्रोज़ का काम हो जाता है, मेरे आईलाइनर का काम हो जाता है. सो इससे मेरे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं. सो इट इज़ अ वेरी वेरी वर्सेटाइल पैलेट, एंड ये बहुत पिगमेंटेड है. आज मैंने अपनी आईब्रोज़ इसी से बनाई हैं, एंड आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज़ कितनी परफेक्ट लग रही है. लाइक आई एम लाइक ऑब्सेसिंग विद माई आईब्रोज टूडे. तो ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. लाइक 500 रुपीज़ में यू गेटिंग 4 शेड्स, विच इज़ अमेजिंग. अभी अगर हम आई मेकअप की बात करें, तो मैंने आज बहुत ही एकदम सॉफ्ट स्मोकी क्रिएट किया है. फॉर दैट मैंने काजल यूज़ किया है, ये वाला. ये है प्लम का आई स्वेयर बाय कोल काजल. नाउ प्लम का जो दूसरा वाला है ना, नेचर स्टूडियो वाला काजल, वो भी बहुत अच्छा है, नो डाउट. वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ एंड ऑल दैट थिंग. बट वो ना रखे रखे ओवर टाइम ड्राई हो जाता है, ये वाला नहीं होता है. सो दिस वन इज़ माई करेंट फेवरेट काजल. एकदम बटर स्मूथ है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, हाईली पिगमेंटेड जेट ब्लैक कलर है, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. यू कैन सी कितना इंटेंस मेरा ब्लैक स्मोकी हुआ है. सो या आई रियली लाइक दिस काजल, एंड ये कुछ 200 रुपये का है. अगर मैं लाइनर की बात करूँ, करेंटली आई हैव बीन लविंग दिस वन. ये है रिकॉर्ड का
पिक्चर परफेक्ट आईलाइनर, इट इज़ नॉट वाटरप्रूफ, कीप दैट इन माइंड, बट यस इसका जो ब्रश है ना वो बहुत ही अच्छा है, तो उससे बहुत ही आराम से मेरा विंग आईलाइनर ड्रा हो जाता है. इवन प्लम का आईलाइनर इज़ वेरी वेरी गुड, मैं वो भी नीचे लिंक कर दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट. या वी हैव अ मस्कारा, सो मस्कारा के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये मार्स का ड्रबल ट्रबल मस्कारा. वाई? बिकॉज अंडर अ बजट ना ये दो काम कर देता है. सो इसमें ना एक ही वॉन्ड है बट दो तरीके से है. सो अगर आप स्टेप टू से वॉन्ड निकालोगे तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा आता है एंड यू गेट वेरी वॉल्यूमिनस लैशेज, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपके लैशेज पे लगता है. एंड अगर आप स्टेप वन से निकालोगे तो ये साफ होकर निकलता है एंड देन यू गेट अ लिटिल लेस प्रोडक्ट, जिससे कि आपकी लैशेज सेपरेट हो जाती है एंड थोड़ी सी लेंदन हो जाती हैं, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं देता ये वाला स्टेप. तो एक ही मस्कारा में आपको यू नो डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं. फॉर एवरी डे आई यूज स्टेप वन एंड फॉर फेस्टिव और यू नो अ लिटिल ग्लैम अप लुक्स आई यूज स्टेप टू. सो या दिस मस्कारा इज़ रियली रियली गुड एंड इसमें बहुत ही अच्छी सी ना एप्पल, ग्रीन एप्पल वाली फ्रेग्रेंस है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. नेक्स्ट आई लैशेज भी आज मैंने लगाए हैं एंड मैं रेकमेंड भी करना चाहती हूँ. वाई? बिकॉज फेस्टिव सीजन है, कम ऑन, इतना तो हम कर ही सकते हैं एक्स्ट्रा. सो दीज आर द आई मैजिक के आई लैशेज जो कि मैंने अमेजोन से खरीदी हैं एंड ये पूरे डब्बे में 10 पीसेज ऑफ आई लैशेज हैं जो कि मुझे मिली हैं 350 रुपीज़ की या 250 रुपीज़ की, समथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली 25 से 30 रुपए के बीच में आपको एक लैश का पेयर मिल रहा है, विच इज़ लाइक चीप, नॉट इवन अफोर्डेबल, इट इज़ लाइक चीप. इतना सस्ता आई लैश कहाँ मिलेगा आपको? लाइक अगर आप पैक वगैरह का लेने जाते हो तो आपको 200-250 रुपये का एक पैर मिलेगा एंड दीज आर लाइक रीयूजेबल्स. मेरे पास ये बहुत सारे डब्बे पड़े हुए हैं एंड अब जाके 3 साल में मैंने इसका एक डब्बा ख़त्म किया है. सो दैट इज़ हाउ मच आई यूज़ एंड आई लव दीज आई लैशेज. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी. नाउ फॉर लैश ग्लू, मेरे पास ऑप्शन था स्विस ब्यूटी का प्रो आई लैश ग्लू, बट आई विल स्टिल रेकमेंड यू टू नॉट गेट दिस एंड गेट द PAC वाला आई लैश ग्लू. वाई? बिकॉज ये आई लैश ग्लू अच्छा है, लाइक इट स्टिक्स योर आई लैशेज एंड कहीं आपके आई लैशेज मूव नहीं होंगी, बट ना इससे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है. ये अभी इसको लिए हुए मुझे 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं एंड इट हैज़ स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड क्लम्पिंग अप. जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस आई लैश ग्लू, तो ना एकदम ऐसे थिक थिक सा हो चुका है, बिल्कुल कर्ड जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी. वॉन्ड है ना वो भी बहुत पतली है, तो जब मैं लैश ग्लू लगाती हूँ लैशेज पे ना तो ऐसे एक ही बार में नहीं लगता है जैसे मेरा PAC वाला ग्लू लग जाता है. आपको कम से कम 5-10 बार डिप करना पड़ेगा ट्यूब में एक आई लैश पे ग्लू लगाने के लिए. सो इट इज़ टू मच ऑफ अ हैसल एंड आई थिंक कि PAC का ग्लू इज स्टिल वर्थ इट. मैं दोनों नीचे दे दूंगी, आप अपने मर्जी से ले सकते हो. नाउ दैट एवरीथिंग एल्स इज डन, वी कम टू आर लिप कॉम्बो. जो मैंने आज लिपस्टिक लगाई है ये तो पारुल गर्ग की लिपस्टिक है एंड आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या प्राइस है. एंड एनीवेज ना लिपस्टिक की मैं काफ़ी सारी और वीडियोज़ भी शेयर कर चुकी, तो वो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो सारी अफोर्डेबल लिपस्टिक्स आप वहाँ चेक कर सकते हो, बट फॉर टुडे जो मेरा फेवरेट फेस्टिव लिप कॉम्बो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, विच इज़ दिस वन. ये है मार्स का एज ऑफ डिज़ायर लिप लाइनर इन द शेड 02 डीप डॉन. ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है, ये शेड हर किसी लिपस्टिक के साथ चल जाती है. इट इज़ अ परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर फॉर मीडियम स्किन टोन एंड टॉपिंग इट अप विथ मामा अर्थ की सॉफ्ट स्टे मैट लिपस्टिक, सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड 01 मोका ब्राउन. इन दोनों का कॉम्बो इज़ लाइक परफेक्ट फॉर इंडियन वेयर, फॉर फेस्टिव वेयर, फॉर वेस्टर्न वेयर, फॉर एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग. बहुत ज़्यादा अच्छा इन दोनों लिप लाइनर और लिपस्टिक का कॉम्बो बनता है. एंड येस विद डैट वी कम टू द एंड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इसी से आप ये सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. लुक एट हाउ प्रिटी द मेकअप हैज़ टर्नड आउट एंड ये ऐसे ही टिकता है. लाइक आई हैव यूज्ड दीज प्रोडक्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू से दैट येस दीज वर्क रियली गुड. नीचे मैं लिंक्स दे दूंगी सारी, तो आप चेकआउट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट. एंड येस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो एंड येस वंस अगेन थैंक यू ऑल. 5K मतलब इट जस्ट फील्स वेरी वेरी गुड. एंड फॉर द गिव अवे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू आर गोना गेट फॉर द गिव अवे. एंड रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं. यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपने दोनों ही पेजेस यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप मुझे फॉलो करो. एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताओ विच वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन दैट यू एवर वॉच. लाइक आई रियली वांट टू नो कि कौन मतलब कब से मुझे फॉलो कर रहा है. एंड फाइनली वी आर अ फैमिली ऑफ 5K एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, सुपर थैंकफुल एंड सुपर ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. बिकॉज
मतलब इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट आई एम एबल टू डू वट आई लव एंड येस दैट इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. मुझे कॉमेंट करके बताना वट अदर वीडियोज वुड यू वॉन्ट मी टू मेक एंड येस आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय.